जबलपुर शहर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार के अलावा अब निजी संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। इसी के तहत जबलपुर के एक निजी संस्था मेट्रो प्राइम ने और इस ओर कदम बढ़ाया है। मेट्रो प्राइम ने इसके लिए हाल ही में पार्षद का चुनाव जीत कराया। पार्षदों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की गई। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि जबलपुर को स्वास्थ्य के प्रति फिट रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। हमारे द्वारा निश्चित तौर पर लगातार जबलपुर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागृति लाने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में इसी कड़ी में हमने कैंट विधानसभा के नागरिकों का संवाद कार्यक्रम रखा जिसमें अभी विजय होकर आए हुए जीत के आए हुए पार्षदों का सम्मान समारोह भी था और साथ में यह संदेश देने का प्रयास भी था कि उनके वार्ड के लोग और कैसे आगे जाके स्वस्थ रहें और कहाँ कमी है जबलपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे लाने के लिए। उनसे इस बात में संवाद किया, अपने विचार रखे, उनके विचार जाने और हमारा ये प्रयास लगातार जारी रहेगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि जबलपुर फिट जबलपुर के रूप में बदले। इसके लिए हमारा प्रयास और हम करेंगे और ऐसे संवाद कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। प्रिय मेट्रो प्राइम के मेट्रो हॉस्पिटल में संवाद के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। सौरभ बड़ेरिया जी और डॉक्टर सुनील मिश्रा जी और हमारे नवनिर्वाचित कैंट के पार्षदों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ हमने इस संवाद कार्यक्रम में संवाद के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहें और आने वाले समय में लोगों को स्वस्थ कैसे रखें, उस जो कंसेप्ट को लेकर यह हॉस्पिटल आगे बढ़ रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी सौरभ जी ने दी और पार्षदों का, नवनिर्वाचित पार्षदों का आज इस अवसर पर सम्मान भी किया गया। निश्चित रूप से कोई भी हॉस्पिटल मरीज अधिक हो इसकी चिंता करता है, लेकिन मेट्रो हॉस्पिटल में सौरभ बड़ेरिया जी स्वस्थ लोग कैसे रहें, पहले से ही स्वस्थ कैसे रहें, इस कंसेप्ट के साथ जो चिंता कर रहे हैं ये आने वाले समय में फिट जबलपुर और स्वस्थ जबलपुर का के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि निरंतर लोगों की स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी सेवाएँ हैं उसमें दिन प्रतिदिन उन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से जबलपुर के लिए और महाकौशल के लिए गौरव की बात है कि हमको इलाज के लिए जो नागपुर और बाहर सिटियों में जाना पड़ता था उसमें मेट्रो हॉस्पिटल ने काफ़ी ब्रेक लगाया है। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।